जय हिंद डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ द कैलोरी मीटर। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलोरी मीटर। आज से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और इसमें पार्ट वन स्टार्ट करने वाले हैं। और पार्ट वन का जो नाम है वो है हीट कैपेसिटी, या बेसिकली इस पार्ट वन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ेंगे। और इस सब को पढ़ने से पहले जो सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि हीट क्या चीज़ होता है, एनर्जी क्या चीज़ होती है, वर्क क्या होता है। वो सब की यूनिट सेम देख लेते हैं, जूल जूल जूल, तो उनको ऐसा लगता है कि हीट, वर्क, एनर्जी, एवरी थिंग इज सेम, बट दे आर डिफरेंट क्वान्टिटी। आप ऐसा मत समझना कि सेम है। उसी को डिस्टिंग्विश करेंगे हम लोग इस लेक्चर में और बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि हीट क्या है। तो वी नो दैट ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल। हर एक सब्सटेंस सिंगल एटम से तो बना नहीं हुआ है, टू आर मोर एटम्स आर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जिससे हम क्या होता है कि हमें एक डेफिनेट शेप साइज के बहुत सारे नंबर ऑफ एटम मिलकर एक सब्सटेंस बनाकर दे देते हैं। तो है द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस आर इन अ स्टेट ऑफ द रैंडम मोशन। कह रहा है कि जो सब्सटेंस होता है या मॉलिक्यूल्स होता है, इनका जो मोशन होता है वो बहुत ही रैंडम होता है। सब्सटेंस आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड ईच मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट अ फोर्स। और हर एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अदर मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। जैसे मैं बता दूं कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट किसी एक मॉलिक्यूल से या एटम से मिलकर नहीं बना हुआ होगा, ये नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर बना हुआ होगा। और हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगा रहे होंगे, कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, और ये अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, तभी ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजली क्या है, पैक्ड हैं। तो ये फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ये। और ये एटम के अंदर जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसमें एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इस एटम के अंदर बहुत रैंडम मोशन कर रहा है। रूम टेम्परेचर पर ही अपने एटम से वो सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होकर इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो रैंडम मोशन करता रहता है, ठीक है। यह हम कह सकते हैं कि वो मोशन में होता है, ठीक है, वो किस में होता है, मोशन में होता है, ठीक है। एंड और देखो, और एक बात बता दें, लेकिन जो एटम का जो ऑर्बिटल होता है, या हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से बाउंड होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो एक दूसरे से बंधे होने की वजह से एटम के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है एटम के पास। तो एटम के पास दो तरीके की एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा यहाँ पर इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है, द मॉलिक्यूल्स पॉजिस द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द देयर रैंडम मोशन। जो कोई भी एटम और मॉलिक्यूल्स होगा वो लैटिस के अंदर अगर मूव कर रहा है, तो मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या कह सकते हैं अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी और किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स के इसी एनर्जी का सम कर दें, यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या कह सकते हैं केवल अट्रैक्टिव फोर्स कह दें, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी वजह से जो अब नेट एनर्जी आ रही है, वो नेट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे इंटरनल एनर्जी में, आप बोलेंगे कि हर एक एटम टू आर मोर मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बना है, या क्लोजली पैकिंग है, लेकिन उस लैटिस के अंदर कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं
जो मोशन में कंटिन्यू रहते हैं, बहुत रैंडम मोशन में रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और इस मोशन की वजह से एटम के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक एटम दूसरे एटम से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होने की वजह से उसमें कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से एटम के अंदर जो नेट एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन कहा क्या? सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? रैंडम मोशन की वजह से। ठीक है, तो यही हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि लेकिन ये किसी एक मॉलिक्यूल के लिए है, किसी एक मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी है। केवल एक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टिव है तो उसके पास जो फोर्स है वो फोर्स की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और यही काइनेटिक एनर्जी और यही पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो तो उस एटम का क्या बनेगा? वो उस एटम का इंटरनल एनर्जी बनेगा। लेकिन कोई भी सब्सटेंस किसी सिंगल एटम से मिलकर बना नहीं हुआ होता है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर लो, इन सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर लो तो इस मटेरियल की जो एनर्जी बनेगी उसे थर्मल एनर्जी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ एन सब्सटेंस इज कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। ठीक है, इट्स थर्मल एनर्जी। तो व्हाट इज द थर्मल एनर्जी? किसी एक मॉलिक्यूल्स या एटम्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन किसी सब्सटेंस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स की एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को ऐड करो तो दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अ हॉट बॉडी हैज मोर इंटरनल एनर्जी। कह रहा है कि कोई अगर बॉडी हॉट है तो उसके पास ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है। तो कोई भी हॉट बॉडी है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, और कोई भी बॉडी अगर कोल्ड है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो हॉट बॉडी हैज मोर इंटरनल एनर्जी देन द आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी। अगर कोई कोल्ड बॉडी है तो उसके पास इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि व्हेन अ हॉट बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई हॉट बॉडी किसी कोल्ड बॉडी के कॉन्टैक्ट में रखा जाएगा तो हॉट बॉडी एनर्जी को लॉस करेगा और कोल्ड बॉडी एनर्जी को गेन करेगा। कोल्ड बॉडी वार्म अप, तो एनर्जी को गेन करेगा तो कोल्ड बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वार्म अप होगा। एंड हॉट बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अपने टेम्परेचर को या एनर्जी को लॉस करेगा तो वो ठंडा हो जाएगा। अ हॉट बॉडी कूल्स डाउन दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज। कोल्ड बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाने वाली है? इंक्रीज हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि वो वार्म अप हो रहा है, और वार्म अप हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। तो थर्मल एनर्जी बढ़ने से कोल्ड बॉडी की एनर्जी इंक्रीज होएगी, और जो हॉट बॉडी है हॉट बॉडी की इंटरनल एनर्जी या थर्मल एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, दस देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं? जो एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आई, जो एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आई है, केवल जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, केवल क्या है? जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, उस फ्लो ऑफ एनर्जी को कहाँ से फ्लो हुई है? हॉट बॉडी से फ्लो हुई है कोल्ड बॉडी के अंदर। उस फ्लो ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। ठीक है, द एनर्जी व्हिच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या बोलते हैं? जो एनर्जी किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो हुई है उसी को हीट बोलते हैं। केवल ये मत समझना कि बॉडी की टोटल एनर्जी को हम हीट बोलते हैं ना। किसी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हाउ मेनी हीट्स आर ट्रांसफर, हाउ मेनी एनर्जी आर ट्रांसफर, हाउ मेनी एनर्जी आर ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज नोन एज हीट। तो आई थिंक यहाँ तक, यहाँ पर आपको हीट का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द हीट।
हीट की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लो फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी व्हेन दे आर कैप्ट इन कॉन्टैक्ट। याद रखें कि ये एनर्जी तभी ट्रांसफ़र होती है जब हम उनको एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में रखते हैं। हीट इज ऑल्सो द मेजरेबल क्वान्टिटी। हीट एक मेजरेबल क्वान्टिटी है और इसे हम मेजर भी कर सकते हैं। और मेजर किससे करते हैं? द मेजरमेंट ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ द हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। कह रहा है कि हीट को मेजर किससे करते हैं, तो उसको जूल में मेजर करते हैं, और जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसे कैलोरी मीटर से बोलते हैं। और इसकी स्टडी को, हीट के मेजरमेंट की स्टडी को कैलोरी मीटर बोलते हैं, और इसकी यूनिट जूल या कैलोरी होती है। याद रखना, हीट के को मेजर कर सकते हैं, एक मेजरेबल क्वांटिटी है, और इसके मेजरमेंट की क्वांटिटी को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? कैलोरी मीटर बोलते हैं, कैलोरी मेट्री बोलते हैं, और डिवाइस को क्या बोलते हैं? कैलोरी मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर से मैं बता दूँ कि हीट इज़ ऑल्सो मेजरेबल क्वांटिटी, द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री एंड डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरी मीटर। कंक्लूजन फ्रॉम द एबव एक्सप्लेनेशन से कंक्लूजन क्या निकल कर आया जो अभी तक हम लोग यहाँ तक स्टडी किए? तो फर्स्ट कंक्लूजन ये निकल कर आया कि बॉडी कंटेन्स हीट इन फॉर्म ऑफ थर्मल काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि कोई भी बॉडी हीट को कंटेन करता है किस फॉर्म में? थर्मल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड। किसी बॉडी के टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो, और जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को आप मेजर करते हो उसको मेजर करने के लिए बाय द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। के क्या है? के बी लिख दो, के बी क्या लिखोगे? के स्मॉल बी। ये बोल्ट्समैन कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट का मतलब कैल्विन स्केल पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब जो कैल्विन स्केल पर मेजर किया गया हो। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है KB इज इक्वल टू 1.38 × 10⁻²⁷ जूल पर कैल्विन। ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आया कि हीट एक मेजरेबल क्वांटिटी है। मेजरमेंट ऑफ हीट इज कैलोरीमीटर। हीट को जिससे मेजर करते हैं उस मेजरेबल डिवाइस, जो मेजर्ड डिवाइस जिसकी हेल्प से हीट को मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम है कैलोरीमीटर। यूनिट ऑफ हीट, हीट की जो यूनिट है वो जूल एंड कैलोरी मीटर है। ठीक है बेटा, सॉरी, जूल एंड कैलोरी है, कैलोरीमीटर नहीं। कैलोरीमीटर तो डिवाइस है जिससे हम हीट को मेजर करते हैं। कैलोरी एक यूनिट है जूल को मेजर करने का, सॉरी, हीट को मेजर करने का, और जूल भी यूनिट है। ठीक है, वन कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है? 4.18 जूल होता है। वन कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? 4.18 जूल होता है। और एक कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? वन किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल होता है। ये सारी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करोगे तो 4.18 यही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वन कैलोरी डेफिनेशन है वन कैलोरी की। तो वन कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। वन कैलोरी एक ऐसी एनर्जी है जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को राइज करने के लिए। और वो ऑब्जेक्ट अगर 1 ग्राम का हो तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत पड़े, या आप ऐसे कहें कि 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट को हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट एनर्जी को 1 कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं।
ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन भी आप ले दे सकते हो कि 1 कैलोरी इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, 1 कैलोरी इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ द वाटर फ्रॉम 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बहुत बच्चे पूछते हैं कि वाटर का यही केवल पर्टिकुलर टेम्परेचर ही क्यों लिया गया। बेटे मैं बता दूँ, इससे नीचे का जो टेम्परेचर है यानी 14.5 के नीचे का जो टेम्परेचर है उसमें वाटर जो है वो यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन नहीं देता है, नॉन यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन देता है। वाटर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अपना एक यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन देने लगता है। इसी वजह से हम इसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को लेते हैं कि वाटर का टेम्परेचर अगर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए अगर 1 ग्राम वाटर लिया है हमने और उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे हम क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। आप ऐसे याद रखो कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को हम 1 कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी बोलते हैं। 1 किलो कैलोरी किसे बोलते हैं, तो किलो लग गया है तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, कैलोरी है तो कैलोरी को एज इट इज रखेंगे। तो 1 किलो कैलोरी मीन्स 1000 कैलोरी, और 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 1000 कैलोरी में 4200 जूल हो जाएगा। नियरली लिखा है इसीलिए क्योंकि इसकी वैल्यू 4.18 होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, किलो कैलोरी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो 1 किलो कैलोरी इज़ द हीट एनर्जी। 1 किलो कैलोरी एक ऐसी हीट एनर्जी है जिसका टेम्परेचर आप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करोगे तो उसमें रिक्वायर्ड हीट को 1 किलो कैलोरी बोलेंगे, जबकि 1 किलोग्राम उसका मास है वाटर का। या आप ऐसे याद रखो कि 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड हीट एनर्जी को हम 1 किलो कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 किलो कैलोरी बोलते हैं। वाटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि हम इसी लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वाटर कुछ इन्वर्सल सॉल्वेंट हो, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। इसमें अनाबोमोलस एक्सपेंशन होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये शो करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। बट फ्रॉम द 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये एक क्या करता है, शो करता है कि यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। इसलिए हम वाटर को की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम वाटर के ही रिस्पेक्ट में सारी एनर्जी को डिफाइंड करते हैं। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक बेटे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।